भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव में शनिवार को नामांकन जांच के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी बागियों को संतुष्ट करने के साथ नाम वापसी के लिए मना रहे हैं। नामों को लेकर नगर परिषद में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का जमावड़ा भी मौजूद रहा। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ पार्टी में गुटबाजी सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा से लोकवाणी पर चर्चा की। नगर निकाय चुनाव में नामांकन पत्र जमा कराने के साथ ही अब जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी उनके सामने अपने बागी जो कार्यकर्ता है उनको मनाने के जतन शुरू हो चुके हैं और देखा जाए तो हर वार्ड के अंदर दोनों पार्टियों के बागी हैं अपने तेवर दिखा रहे हैं। अब इस डैमेज कंट्रोल को दोनों पार्टियां किस प्रकार करेगी अभी हम पहुंचे हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा साहब के पास, इनसे जानना चाहते हैं कि पार्टी क्या रणनीति रहेगी। जी सर, टिकट वितरण हो चुका है नामांकन भी दाखिल होने के बाद, अब जब हर वार्ड में देखा जाए तो जो बागी खड़े हैं या निर्दलीय है कार्यकर्ता उनको आप किस प्रकार मनाएंगे? पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि हमारे सभी टिकट सर्वसम्मति से बांटे गए और कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। दूसरा, हमारा किसी भी 70 वार्ड में एक भी बागी प्रत्याशी नहीं है। जितने भी बागी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के आपसी फूट के कारण हर वार्ड में उनके दो दो चार चार पांच पांच प्रत्याशी अगर अधिकतर है तो उनके हैं। कांग्रेस का एक भी बागी प्रत्याशी कहीं नहीं खड़ा हुआ हुआ जो कांग्रेस का सदस्य हो या कांग्रेस का कोई पदाधिकारी हो। वरिष्ठ पदाधिकारियों में आमजन में चर्चा रहती है कि आपसे तालमेल नहीं है, कि इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह की एक अलग अलग लीडरशिप होती है। भीलवाड़ा शहर की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप में सभी लोग एकजुट है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर अब आप नगर निकाय चुनाव में जा रहे हैं, किस प्रकार आमजन को आप आमजन को अपने पार्टी के प्रति वोट देने के लिए आकर्षित करेंगे? हमारे भीलवाड़ा शहर के काफी मुद्दे हैं। पिछले बोर्डों में इनके द्वारा पट्टे नहीं बनाए गए हैं, चंबल द्वारा पानी लाया गया तो उनको व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से वितरण नहीं किया गया जबकि कांग्रेस ने चंबल से पानी लाया है। भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि एक चेयरमैन थी 5 साल जिसने जो भ्रष्टाचार किया उसको इन्होंने निलंबित किया, पार्टी से निकला है और भारी भ्रष्ट जो काम किया इन्होंने करते आ रहे हैं ये जनता के बीच में है। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, हम ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए चुनाव लड़ेंगे, जवाबदेही के लिए चुनाव लड़ेंगे, शहर का विकास करेंगे, एक नया मॉडल शहर में लाने का प्रयास करेंगे और जैसा कि हमारे शासन में हुआ और उसको इन्होंने बंद कर दिया, रोडें हो चाहे बाईपास के काम हो चाहे शहर में विकास की और अनेक बातें हो, तो हम शहर के विकास में साफ सफाई के हिसाब से यहाँ की बिजली व्यवस्था कैसे ठीक हो, यहाँ की सिंचाई की पानी के लोगों के पीने की व्यवस्था कैसे ठीक हो और जो अभी आंदोलन चल रहे हैं किसानों के ऋण के, ये सिक्योर बिजली को इन्होंने यहाँ प्राइवेट ठेकाइजेशन दिया जो इससे काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को, बिजली के बिल ज़्यादा आने लग गए। इन सब मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। प्रदेश सरकार में अभी आपकी कांग्रेस सरकार है, इनका भी क्या आपको लाभ मिलता मिलेगा? निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार है और उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई शहर के हित में शहर के वासियों के लिए, ये मुझे कहते हुए हर्ष है कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले अनेक नगर निकायों के पंचायत राज के चुनाव हुए तो जिस तरह से शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार पर विश्वास किया है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के जो काम किए जा रहे हैं उन कामों की सराहना की जा रही है और उसी के आसार पर हमें आशा है कि बोर्ड बनेगा। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा साहब, जो आश्वासित है कि जो राज्य में जो गहलोत सरकार है उनके विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ का जो आमजन मतदाता है वो कांग्रेस को बढ़ चढ़कर मतदान करेगा और उन्हीं के वनस्पत यहाँ के जो नगर निकाय में चुनाव है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।